आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आप मिथिला दस्तक से आपको लगातार हर एक विधानसभा की खबर दिखा रहे हैं। तो आज हम मधुबनी विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां हम जनता से रूबरू होना चाहते हैं कि इस बार का राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार का हो रहा है। अब बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद अंसारी। जी जाहिद जी, बताइए इस बार विधानसभा में जो लड़ाई है, टक्कर है, त्रिकोणात्मक है, जहाँ एक और बीजेपी समर्थित पार्टी है जो सहनी जी का पार्टी है, एक राजद का उम्मीदवार है और दूसरा लोजपा है, तो इन तीनों में आपको क्या लग रहा है इस बार किस प्रकार का करवट इस बार मधुबनी विधानसभा का होगा? इस बार तो नीतीश जी तो गए इस बार नीतीश जी तो गए। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गए इसलिए गए कि उन्होंने युवाओं को कितना पकौड़ा तलने के लिए दे दिया है। अच्छा, इंजीनियर को भी पकौड़ा तलने के लिए दे दिया है। अच्छा, लॉकडाउन में जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ था उस पर आपको कुछ कहना है? बिल्कुल कहना है। जो रोजगार सड़कों पे था उसके लिए आप बिल्कुल, इस लॉकडाउन में कितना आदमी मरा है, हो सकता है हमको लग रहा है 50% अगर उसने भूख से मरा है तो 50% लॉकडाउन में मरा है कोरोना के महामारी में। अच्छा अच्छा, जो बेरोजगार यहाँ आए हैं उनको अब तक रोजगार नहीं मिला है, तो ये रोजगार उत्पन्न करने की बात जो तेजस्वी सरकार कर रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बस ज्यादा नहीं, 10% सच्चाई है। 10% सच्चाई जब तक सरकार बनेगी नहीं, जब तक रोजगार देगी नहीं, तब तक के इसमें 100% चाहे कोई सा भी आ जाए सरकार, किसी भी मौजूदा सरकार आकर के इलेक्शन के टाइम में सब तो वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको 100% जीत जाते हैं उसके बाद वादा भूल जाते हैं। अच्छा, जैसा कि देख इस बार किस प्रकार का चुनावी सरगर्मी रहेगा? इसमें तो लहर हो रहा है तेजस्वी जी का। अच्छा, लहर है, सुनी सुनाई बात है या गांव में भी इसका प्रभाव है? हम एक जनता सेवक हुए, मैं मैकेनिक हूँ जी, और यहाँ पर नेचुरल जितने भी आते हैं प्रकार के लोग, सभी लोग कहते हैं कि इस मरतबा राजद का ही उम्मीद है। अच्छा, इसके बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ जी। यहाँ से कौन उम्मीदवार है राजद के? यहाँ से समीर महासेठ हुए। अच्छा, गठबंधन से? अरे मैं एनडीए से। जी हाँ, बीआईपी से हो गया आपको सुमन महासेठ। तो सुमन महासेठ का क्या इसमें चर्चा है इस बार? चर्चा उनका भी है लेकिन कुछ खास नहीं है जी, जो अनुभव है। तो इससे पहले भी आपको समीर महासेठ रह चुके हैं, आपके विधानसभा के विधायक जी रह चुके हैं, तो जी उनके कामों से संतुष्ट है क्या? काम तो किया है जी, नजर आ रहा है जी। जिस जगह रोड नहीं था उस जगह रोड देख रहे हैं जी, और जिस जगह रोड नहीं जाने वाला था वहाँ भी सुन रहे हैं कि और उसको देख रहे हैं कि आज काम लोग काम हो रहा है। अच्छा, आपके मोहल्ला में काम हुआ है, दिख रहा है? मेरे मोहल्ला में भी काम हुआ है, मेरे मोहल्ला में भी काम हुआ है। कारण यह है कि आज से स्टेडियम चौक से जो भच्ची जाने वाला रास्ता, अच्छा, जो रास्ता नहीं था, हम लोग 2007 से यहाँ रह रहे हैं, आज उसी के मेहनत से समझिए या जो हो आज रोड। हाँ बाबा, बताइए इस बार मधुबनी में विधानसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं, इस बार किस पार्टी को देखना चाहते हैं? हम तो पिछले ही वाले पार्टी जो है उन्हीं को देखना चाहते हैं। अच्छा, बताइए नाम खुल के बताइए किसको देखना चाहते हैं? नीतीश को। अच्छा, तो यहाँ गठबंधन है जहाँ राजद के उम्मीदवार है समीर महासेठ और एनडीए अर्थात बीजेपी समर्थित जो दल है वीआईपी उससे है सुमन महासेठ जी। दोनों महासेठ के बीच में एक तीसरा भी कैंडिडेट है जो लोजपा से खड़ा है, अरुण कुमार पूर्वे जी। तो आप इन तीनों में किसको देखते हैं कि भारी दावेदारी इनकी मजबूत है? दावेदारी की है भारी सुमन महासेठ। माने आपका ओपिनियन है कि सुमन महासेठ जी यहाँ से लीड करेंगे? जी। आप अपना नाम बताइए। शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, बताइए पूरा नाम बोलिए ना। शिव कुमार यादव जी, आप बताइए क्या आपका मोटो है? बताओ, हाँ बताओ। हम राजनीति के बारे में अभी कुछ नहीं कहते। माने बिल्कुल आप साइलेंट रहना चाहते हैं, चुप्पी साधना चाहते हैं कि अभी हम नहीं ओपिनियन में आएंगे। जी नासिर हुसैन जी, बताइए इस बार मधुबनी से आप किस प्रकार का चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं? राजनीति के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन समीर महासेठ है वहाँ उसका यहाँ उसी का थोड़ा सा मेरे ख्याल से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे काम पे अपना। अच्छा ठीक है।